दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ Amazon पर मिलने वाले प्रीबिल्ट गेमिंग पीसी ज्यादा बेटर है या फिर आप Amazon से ही अलग अलग पार्ट्स लेकर खुद ही पीसी बिल्ड करके ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं और उसका प्राइस भी कम हो। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया एक होने वाला है क्योंकि आज मैं एक आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ Amazon पर जो कि 5-star रेटिंग के साथ मिलता है, लेकिन उसी प्रोडक्ट को हम खुद पीसी बिल्ड करेंगे वो भी Amazon से ही पार्ट्स लेकर और उसका प्राइस भी कम आएगा, परफॉर्मेंस भी बढ़िया निकल के आएगी। तो दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टैक एएमसी यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बना लेते हैं एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी बिल्ड जिसमें आपको पैसा भी कम देना होगा, पीसी बिल्ड भी आपका बढ़िया बनेगा। दोस्तों मैं Amazon पर एक गेमिंग पीसी सर्च कर रहा था तो यहाँ पर मुझे एक पीसी मिला जिसका नाम है, जो कि मुझे देखने के लिए मिला चिस्ट कंपनी की तरफ से मुझे देखने के लिए मिला और ये AMD का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ था, Ryzen 5600G। तो यहाँ पर हमें 16GB रैम के साथ यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन हमें देखने के लिए मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो यहाँ पर एक कुछ गड़बड़ मुझे देखने के लिए मिली। पहला तो ये था कि यहाँ पर ये जो कैबिनेट लगाई हुई है ये किस ब्रांड की है ये नहीं कन्फर्म हो रहा था। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सिस्टम है ये होने वाला है AMD की तरफ से और इसमें 5600G CPU यहाँ पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर इंटेल का यहाँ पर फैन लगाया हुआ था, बाकी मदरबोर्ड भी कंफर्म नहीं है और यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड है इसके ऊपर भी मेंशन ऐसे ही कुछ किया हुआ है। इस सिस्टम को ही आज हम पीसी बिल्ड खुद से करेंगे। अब यहाँ पर जो 34,500 प्राइस आ रहा है तो आज हम खुद ही पीसी बिल्ड करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि खुद का जो पीसी बिल्ड है वो कितना बढ़िया रहने वाला है सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ और इससे बेटर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला कंपोनेंट बताता हूँ, ये होने वाला है हमारा प्रोसेसर, ये होगा AMD Ryzen 5600G। ये 6 कोर 12 थ्रेड के साथ हमें 19 MB कैशे के साथ हमें देखने के लिए मिलेगा और इसके अंदर हमें रेडियन ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि बहुत बढ़िया काम करते हैं अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं। करंट में इसका जो प्राइस चल रहा है वो 13,199 रुपये का होगा। तो पहला तो आप ये अमाउंट आप लगा लीजिएगा, तो हमें अपना जो अमाउंट रखना है वो 30,000 से कम में रखना है और बढ़िया पीसी एक बिल्ड करना है। तो यहाँ पर 5600G के साथ हम यहाँ पर जाने वाले हैं। सेकंड कंपोनेंट हम जो लेंगे वो यहाँ पर होने वाला है ANT eSports की तरफ से Elite 110 मिड टावर कंप्यूटर गेमिंग कैबिनेट। ये बहुत बढ़िया गेमिंग कैबिनेट है, बजट के अंदर इससे बढ़िया गेमिंग कैबिनेट हमें देखने के लिए नहीं मिल पा रही है। और अगर बात करें दोस्तों इस गेमिंग कैबिनेट की फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 3 फैन 120mm के यहाँ पर फ्रंट पर आपको RGB के साथ देखने के लिए मिलते हैं, प्लस बैक साइड में भी आपको 120mm का यहाँ पर इन और आउट के लिए यहाँ पर फैंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इसका PSU लगाने का जो ऑप्शन मिलता है वो नीचे मिलेगा जो कि बहुत बढ़िया है। बाकी ये कैबिनेट भी बहुत अच्छी हमें ट्रांसपेरेंटली के साथ हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉम्पोनेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो MSI का B450MA Pro Max 2 मदरबोर्ड होने वाला है। ये माइक्रो ADX मदरबोर्ड है और दोस्तों अगर मदरबोर्ड की बात करें तो इसमें 2 आपको रैम के स्लॉट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर रैम का भी कोई इशू नहीं है, DDR4 की रैम सपोर्ट करता है। बाकी Ryzen जो अभी हम CPU ले रहे हैं उसमें बिल्कुल बढ़िया काम करेगा। और यहाँ पर अगर हम इसके इन और आउट पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको PS2 के पोर्ट मिल जाते हैं जो कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है। साथ ही में इसमें HDMI का पोर्ट है, DVI का पोर्ट है और 4 इसमें 3.0 के पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी 2 USB पोर्ट अलग से हैं और बाकी 3 साउंड के पोर्ट मिलेंगे। तो बाकी सारे ऑप्शन इसमें भर भर के हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। NVMe से लेके सारे ऑप्शन आपको इस बोर्ड के अंदर मिलेंगे और बहुत अच्छे बजट में हमें 4,898 रुपये में हमें देखने के लिए मिलता है। अगर इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चले तो क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर चिस्ट कंप्यूटर आपको 16GB रैम दे रहा है तो हम भी यहाँ पर रैम 16GB ही लेंगे। तो यहाँ पर EVM Elite का 8GB के DDR4 की 3200 MHz वाली हमने रैम सेलेक्ट की है। एक की कीमत पड़ रही है सर कि 1789 रुपीज़ का यह पूरा एक रैम पड़ रही है 8GB की, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। दोनों का प्राइस मैं आपको ऐड करके एंड में बताऊँगा। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो है SSD और स्टोरेज में मैं 2 यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर SSD जो हम ले रहे हैं वो EVM के इंटरनल SSD हम लेने वाले हैं। ये Gen 3 या 4 फास्ट परफॉर्मेंस वाली यहाँ पर SSD है, ये 256GB की है क्योंकि अभी इसका प्राइस जो है वो ज़्यादा चल रहा है सभी SSD का, खासकर NVMe का। तो यहाँ पर ये 1861 रुपये में हमें देखने के लिए मिल जाती है जो कि हमारे काम के लिए बढ़िया रहेगी। सेम स्टोरेज के लिए मैंने दूसरा जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो हार्ड डिस्क का किया है। यहाँ पर जियोनिक्स की तरफ से 500GB की साटा हार्ड ड्राइव हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है जो कि 899 रुपये में इजीली मिल जाती है। तो ये जितने भी कंपोनेंट हैं सब Amazon से आप परचेज कर सकते हैं, अगर ऑफलाइन जाएंगे तो इसका जो प्राइस है आपको और भी कम देखने के लिए मिलेगा। लास्ट जो कंपोनेंट है हमारा वो आता है PSU यानी कि पावर सप्लाई। तो यहाँ पर पावर सप्लाई मैंने अच्छी पावर सप्लाई के साथ साथ वोल्टेज भी अच्छा देखा है और साथ में प्राइस भी जिसका कम हो। तो यहाँ पर हम गए हैं Zebronic की तरफ से ZS500 500 वाट वाली नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई की तरफ।
इसमें 120 mAh का साइलेंट फैन भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि RGB फैन के साथ हमें देखने के लिए मिलेगा। और इस प्राइस रेंज में यार इससे बढ़िया PSU हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। प्राइस भी कम है, प्लस वारंटी भी आपको अच्छी खासी इसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो लगभग 3 साल की इसे वारंटी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो ये सारे कंपोनेंट्स के साथ जब आप PC बिल्ड करते हैं तो ये इसका जो प्राइस होगा वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। अब दोस्तों अगर हम इन सभी के प्राइस को ऐड कर रहे हैं 1x1, तो यहाँ पर हमें जो प्राइस हमें देखने के लिए मिलेगा वो अंडर 30,000 ही होगा। तो टोटल जो प्राइस आपके सामने आया है वो 27,973 रुपये का आया है। तो ये आपको अंडर 30,000 रुपये में बहुत बढ़िया PC मिल गया है, जिसमें आपको सारी चीज़ ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर आप जस्ट AMD के ये जो CPU यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, अगर इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि दे क्या रहा है, और इसका प्राइस भी हमें ज़्यादा है। तो अगर आप Amazon से ही अलग अलग पार्ट्स को भी परचेज करके बनाते हैं तो भी आपका जो प्राइस है वो कम मिलेगा। बाकी परफॉर्मेंस तो आपको पता ही होगा 5600G का कितना बढ़िया हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर इसके डाउन पे आप जाके चेक करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि क्या क्या है। अगर यहाँ पर बात करें नीचे की तरफ, अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर 16GB की रैम बताई गई है, कितने मेगाहर्ट्ज़ वाली है ये नहीं पता है। यहाँ पर दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो हार्ड ड्राइव की 1TB यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हार्ड ड्राइव 1TB बताई गई है और हार्ड डिस्क्रिप्शन SSD बताया गया है, और यहाँ पर E-SATA 7200 RPM वाली बताई गई है। तो क्योंकि 7200 RPM में आता है हार्ड ड्राइव, ना कि SSD आती है, तो इसमें कन्फ्यूजन बनाई हुई है, पता नहीं है इसमें क्या देना चाह रहे हैं। दूसरा, इसमें ड्यूल स्पीकर का ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है, ये दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर 580 GB का ग्राफिक कार्ड बताया गया है, अब ये कौन सा ग्राफिक कार्ड है ये भी मेंशन नहीं है। और यहाँ पर अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इंटरनल रेडियन का ग्राफिक्स हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं। दूसरा, इसकी अगर इमेजेस में चलते हैं तो इमेजेस में भी एक दिक्कत आती है। इंटेल का यहाँ पर एक फैन लगाया हुआ है, जबकि AMD का प्रोसेसर है, और यहाँ पर मदरबोर्ड की भी कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि MSI है, ASUS है, कौन सा मदरबोर्ड है ये कंफर्म नहीं है। इसके साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमने जो PC यहाँ पर बिल्ड किया है वो इस प्राइस रेंज पे इससे बेटर हमें देखने के लिए मिल गया है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे करके अगर आप TCR की रेंज में चाहते हैं तो TCR में इतना बढ़िया काम ये करेगा। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इसमें आप आराम से PUBG जैसे गेम्स होते हैं, बाकी Fortnite जैसे गेम्स हैं या GTA 5 जैसे गेम्स हैं, इसको बहुत इजीली आप रन कर सकते हैं। इसमें तो किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो दोस्तों ये तो था आज का Amazon पर आपको जो मिलता है PC बिल्ड, जो प्री बिल्ड आपको देखने के लिए अलग अलग ब्रांड की तरफ से आपको देखने को मिलता है वो ज़्यादा बेटर है, या फिर हम खुद बना सकते हैं वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसका कंपैरिजन मैंने आपको करके बताया, इसके आंसर भी आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी बताना यार कमेंट सेक्शन में, और कोई नया सजेशन हो, कोई जानकारी आप बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में, और आपको अगर किस टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको कुछ नया सिखाते रहेंगे, आप कुछ नया सीखते रहेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।